नमस्कार, A2S फेयर में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, नीचे जो रेड कलर का बटन है जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके जस्ट बाजू में एक बेल आइकन है, घंटी बनी हुई है, उसको प्रेस करें। इससे क्या होगा, जब जब मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा आप उसको इंस्टेंटली देख सकते हैं। आपके नोटिफिकेशन में ऊपर में घंटी बनी रहती है, यूट्यूब में उस पर आ जाती है, उसको क्लिक कीजिए और देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे का सेशन। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियोस जिसमें हमने कनिष्कास से पहले कुशानास, ठीक है, उससे पहले शाकास और बैक्ट्रियंस, ठीक है, सब डिस्कस कर रखा है। कल्चरल सातवानास, सुंगास, ये सब डिस्कस कर रखा है इस चैप्टर का, आप उसको जाके देखें। एक स्टोरी जैसा है, हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, अपने देश का इतिहास। ठीक है, चलते हैं। इमेज वर्शिप एंड रिचुअल डेवलप्ड इन, यहाँ से बताया था, मैं बताऊँ, कनिष्का एंड बुद्धिज्म। कनिष्का एंड बुद्धिज्म, इसमें क्या है, कनिष्का एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज रेन, हाउएवर हिज कॉइंस एग्जिबिट द इमेज ऑफ नॉट ओनली बुद्धा बट ऑल्सो ग्रीक एंड हिंदू गॉड्स। ठीक है, मिस कनिष्का ने जो सिक्का इशू किया था ना, उसके जो क्वाइन थे, क्वाइंस सिक्के, उस पर क्या था, इमेज था किसका, ना ही केवल बुद्धा का बट ग्रीक एंड हिंदू गॉड्स का भी उस पर था, फोटो बना हुआ था। मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स द कनिष्का टॉलरेशन टुवर्ड्स अदर रिलीजन, मीन्स इट शोज दैट हाउ मच कनिष्का वॉज टॉलरेटिंग अदर रिलीजन ऑल्सो, religious things also, ठीक से। So thing is that in the age of Kanishka, the Mahayan Buddhism came into vogue. It is different in many respect from the religion taught by Buddha and propagated by Shoka. The Buddha came to be worshipped with flowers, garments, perfumes and lamps. अब क्या हुआ, कनिष्का के टाइम से भगवान बुद्ध को पूजा जाने लगा। उससे पहले पूजते नहीं थे, उसके फॉलोअर थे बुद्धा के, लेकिन उसको मूर्ति पूजा उस तक समय तक नहीं हुई थी। अब UPSC में यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, किस राजा के समय, ठीक है, किस डायनेस्टी में बुद्ध भगवान का मूर्ति पूजा आरंभ हुआ, फ्रॉम हिज डायनेस्टी दैट आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धिज्म स्टार्टेड, आंसर इज कनिष्का Which dynasty? Kanishka from 78 to 120 AD. कैसे पूछते थे, they were worshipped with the help of perfumes, flowers, garments, lamps, etc. Image worshipped and ritual developed in what? Mahayan Buddhism. Mahayan, Hinayan, Mahayan, Hinayan. One is that what? Having collection of Buddha's what? थॉट, वट एवर बुद्धा टोल्ड, वट एवर बुद्धाज ज्ञान, जो बुद्धाज नॉलेज मेंशन इन दैट, वट एवर थिंग ही पोस्ट अमॉन्ग दिस वर्ड देयर मॉन्ग्स एंड ऑल, ठीक है, उन मॉन्ग फॉलोअर्स, मीन्स बुद्धाज रिचुअल्स मेंशन इन दैट, वेयर वन ऑफ देम महायान, हीनयान मीन्स दैट अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म, अंडरस्टूड, हीनयान दे मेंशन। कनिष्क ऑल्सो सेंट मिशनरीज टू सेंट्रल एशिया, कनिष्क ने मिशनरीज को भेजा, कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया कहाँ पे है, सेंट्रल एशिया कहाँ पे है, सेंट्रल एशिया भेजा, चाइना भेजा, ठीक है, फॉर प्रोपेगेशन ऑफ न्यू फेथ बुद्धिस्ट चैत्या एंड विहार। उन्होंने बुद्धिस्ट के लिए चैत्या भी बनवाए, विहार भी बनवाए। चैत्य विहार क्या होता है, चैत्य विहार,
विहार मीन्स जैसे आपके आंगन, आपके इलाके में कोई बुद्धिस्ट यदि घूमते घूमते आ गया, उसके ठहरने का जगह को बोलते हैं विहार। ठीक है, जहाँ पे पूजा पाठ करेगा वहाँ पे ग्रुप में उसको बोलते चैत्य, चैत्य विहार। ठीक है, ही पेट्रोनाइज बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक वासुमित्रा, अश्वघोषा, नागार्जुना। ही पेट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स। अब ये क्वेश्चन आ गया ना यूपीएससी के लिए, कनिष्का के टाइम पे, कनिष्का के टाइम पे कनिष्का ने किस किस बुद्धिस्ट स्कॉलर को पेट्रोनाइज किया था? कनिष्का ने किस किस बुद्धिस्ट स्कॉलर को पेट्रोनाइज किया था? अपना आंसर होगा वासुमित्रा, अश्वघोषा, नागार्जुना। वासुमित्रा, अश्वघोषा, नागार्जुना, कौन पेट्रोनाइज किया था इनको? ये थे कौन? दे आर बुद्धिस्ट मॉन्क, पेट्रोनाइज्ड बाय कनिष्का। ठीक है, ही ऑल्सो कन्वर्टेड द फोर्थ, ही ऑल्सो कन्विंस्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल टू डिस्कस मैटर्स रिलेटेड टू बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी एंड डॉक्ट्रिन, बुद्धिस्ट थियोलॉजी, थियोलॉजी एंड मीन्स थ्योरी बिहाइंड द बुद्धिज्म एंड डॉक्ट्रिन दैट बींग वॉट ऑर्गेनाइज, बुद्धिस्ट काउंसिल बींग ऑर्गेनाइज। हुई बुद्धिस्ट काउंसिल? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। भैया याद करो, ये बुद्धिज्म आ गया, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल जब भी आए ना तो जरूरी है याद रखना। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कहाँ पे भैया? कनिष्का के टाइम पे। इट वॉज हेयर डेट देखो कहाँ पे, श्रीनगर के पास है। इट वॉज हेल्ड एट कुंडालवाना मोनास्ट्री, इट वॉज हेल्ड एट कुंडल कुंडलावना मोनास्ट्री नियर श्रीनगर इन कश्मीर, कश्मीर अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वासुमित्रा। मीन्स ऑब्वियसली गए गए होंगे कनिष्का किसके पास? वासुमित्र के पास। बोले होंगे मुझे क्या चाहिए? एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करना है श्रीनगर में। ठीक है, तो बोले होंगे कौन? वासुमित्रा। ठीक है, क्यों नहीं भैया, मैं इसका प्रेसिडेंटशिप संभालता हूँ और यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, अबाउट 500 मॉन्क्स अटेंडेड द काउंसिल, 500 मॉन्क्स अटेंडेड द काउंसिल। द काउंसिल प्रिपेयर्ड एंड ऑथोरिटेटिव कमेंट्री ऑन द, ये देखो दूसरा यूपीएससी क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। ठीक है, दैट द काउंसिल प्रिपेयर्ड एन ऑथोरिटेटिव कमेंट्री ऑन द त्रिपीटका। ठीक है, त्रिपीटका किसके समय हुआ था? त्रिपीटका काउंसिल प्रिपेयर्ड एन ऑथोरिटेटिव कमेंट्री ऑन त्रिपीटका एंड दी महायाना डॉक्ट्रिन वॉज गिवन फाइनल शेप। त्रिपिटका एंड महायाना डॉक्ट्रिन को फाइनल शेप किस काउंसिल में दिया गया? यूपीएससी ये पूछ सकते हैं, त्रिपिटका महायाना डॉक्ट्रिन को किस काउंसिल में दिया गया? कौन से काउंसिल? कौन से काउंसिल? कौन से काउंसिल? फोर्थ काउंसिल, फोर्थ काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, वॉज गिवन फाइनल शेप। धीरे धीरे सीखते रहो। अश्वघोषा वाज ए ग्रेट फिलोसफर, अश्वघोषा वाज ए ग्रेट फिलोसफर। ठीक है, अश्वघोषा जो थे वो बहुत बड़े फिलोसफर थे, फिलोसफर मीन्स दार्शनिक, पोएट कवि भी थे, ड्रामेटिस्ट नाटक वाटक भी करते थे। ही वाज ऑथर ऑफ अश्वघोषा, अश्वघोषा याद करो, अश्वघोषा वा इज ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरिता, बुद्ध चरिता, बुद्ध चरिता का ऑथर कौन है? बुद्ध चरिता का ऑथर कौन है? बुद्ध चरिता का ऑथर है जिसका नाम है अश्वघोषा। अश्वघोषा वाज ए ग्रेट फिलोसफर, पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। ही ऑल्सो रोट वन बुक नेम बुद्ध चरित्र। नाम ही से लग रहा है ना, बुद्ध भगवान के चरित्र के बारे में मेंशन किया होगा, बुद्ध चरिता। ठीक है, नागार्जुन फ्रॉम
साउथ इंडिया एडॉर्ड द कोर्ट ऑफ कनिष्का, एडॉर्ड द कोर्ट ऑफ कनिष्का, फेमस फिजिशियन ऑफ एंशियंट इंडिया, फेमस फिजिशियन ऑफ एंशियंट इंडिया इज चरक, वाज ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड बाय हिम। चरक 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 संहिता, यदि आपको आयुर्वेद की थोड़ी सी भी जानकारी है तो चरक चरक शब्द जो है ना, चरक संहिता किताब है जिसमें दे रखा है इसके बारे में, आयुर्वेदा के बारे में, इसको रिलेट कर लो दिमाग में, चरक आयुर्वेदा, आयुर्वेदा मीन्स डॉक्टर, डॉक्टर मीन्स क्या, फिजिशियन, फिजिशियन मीन्स क्या, वो दवा लिखता है, ठीक है, तो वो मालूम चल जाता है। मीन्स चरक चरक किसके समय में, याद कर लो कनिष्का के समय, ठीक है। राजा के पास वैद्य जी रहते थे, वैसे यहाँ पे जो है ना वैद्य जी के बारे में दिया है, उन्होंने भी एक वैद्य जी रखा था, उसको नाम था चरक। गांधार आर्ट, द होम ऑफ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इज द टेरिटरी, द होम ऑफ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इज द टेरिटरी अराउंड पेशावर, पेशावर इज द टेरिटरी इन एंड अराउंड पेशावर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। द बेस्ट ऑफ द गांधार स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी ए डी, द बेस्ट ऑफ द गांधार स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी ए डी। देखो यहाँ से कोई क्वेश्चन निकल रहा है क्या, एक फर्स्ट लाइन से तो निकलता है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो था ना, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वो कहाँ पे था, मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। गांधार गांधार गांधार, आपने नाम सुना होगा गांधार का, गांधार नरेश शकुनी, गांधार नरेश शकुनी महाभारत का एक कैरेक्टर है, गांधारी शकुनी की बहन किसकी पत्नी थी, खुद से पूछो पता चल जाएगा। गांधार अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान किधर पड़ता है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के आसपास पाकिस्तान भी आता है, उसमें क्या है, पेशावर एक जगह है, इस पेशावर के आसपास टेरिटरी इन पेशावर, इन एंड अराउंड पेशावर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का मेन गढ़ है वहाँ पे। द बेस्ट ऑफ द गांधार स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी ए डी, बेस्ट ऑफ गांधार स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरीज ए डी। It was originated during the reign of Indo-Greek rulers. It originated during the reign of Indo-Greek rulers. But the real patron of this school of art were the Sakas and the Kusanas. Okay. Particularly, Kanishka. Real patrons of this school of art. नाम से ही लगता है स्कूल ऑफ आर्ट, जहां पे कला सिखाया जाता था, कला बहुत तरह का हो सकता है, ठीक है, गाना बजाना, डांस करना, डांस फॉर्म्स, और हो सकता है अलग तरह के, बहुत बहुत तरह का हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर में भी नहीं जा रहा हूँ ज्यादा डीप में। पार्टिकुलरली कनिष्का, ठीक है, गांधार आर्ट वॉज ए ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड ग्रेको रोमन एलिमेंट्स। गांधार आर्ट वॉज ए ब्लेंड ऑफ, ब्लेंड मीन्स मिक्सचर, गांधार आर्ट वॉज ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड ग्रेको रोमन एलिमेंट्स। ओके, स्पेसिमेन ऑफ गांधार स्कल्पचर
have been found in Taxila, a specimen of specimens of Gandhara sculpture have been found in Taxila. Peshawar and in several places in northwestern India. The Gandhara school made a sculpture of Buddha in various sizes, shapes and postures. ठीक है, गांधार स्कूल मेड स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा इन वेरियस साइजेस शेप्स एंड पोस्चर, मीन्स अलग अलग साइज की मूर्तियाँ थी, ठीक है, अलग अलग साइज के पोस्चर थे बुद्धा के, फोटो दे रखा है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा इन गांधार आर्ट, ठीक है, तो ये जो है ना फोटो को देखो कितना बढ़िया मूर्ति बन रखा है, ठीक है, अब कहीं भी जाना ना मूर्ति देखना का, इसका बुद्धा का, तो बोलना कहीं भैया ये गांधार आर्ट का तो मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है। द रिलीफ डिपिक्ट्स बुद्धाज बर्थ, बुद्धाज बर्थ, ओके, हिज रिनंसिएशन एंड हिज प्रीचिंग। रिनंसिएशन मतलब होते हैं रिनंसिएशन and salient renunciation and his preaching. Renunciation का मतलब क्या होगा भैया? Renunciation सीख लो क्या हो जाएगा? त्याग, बुद्धा का त्याग कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ? Salient feature of Gandhar art are, क्या है salient feature? First one is molding human body in realistic manner with minute attention to physical features, like muscles, moustache and curly hair. Molding human body in realistic manner with minute attention to physical features like muscles, moustache and curly hair. बुद्धाज आर्ट का एक फीचर है बॉडी को मोल्ड करना रियलिस्टिक मैनर में, ठीक है, जैसे जैसे हमारा फिजिकल फीचर ग्रो कर रहा है, जैसे हमारा मसल्स, ठीक है, हमारे बाल का डिजाइन कर्ली हेयर, उसी तरीके से अपने आप को भी मोल्ड करना चाहिए। थीक ड्रेपरी विथ लार्ज एंड बोल्ड फोल्ड लाइंस, ठीक है, रिच कार्विंग, इलेबोरेट ऑर्नामेंटेशन एंड सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। द मेन थीम वॉज द न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, महायानिज्म and the evolution of image of Buddha. बहुत ही जरूरी है इसको पढ़ना बार बार, पूछ सकता है एग्जाम में, नहीं पूछे तो क्या हो गया, मेंस में लिखना जाके फीचर्स ऑफ गांधार के बारे में, ठीक है, क्या लिखना, क्या है लिखना है, पहला जैसे जैसे हमारे बाल बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी मसल्स बढ़ती है, सब फिजिकल फीचर्स है ना बॉडी का, उसी हिसाब से अपने बॉडी को भी मोल्ड करना चाहिए रियलिस्टिक मैनर में, ठीक है। दूसरा, थिक ड्रेपरी लाइक लार्ज विथ लार्ज एंड बोल्ड फोल्ड लाइंस, ठीक है, ड्रेपरी समझ में नहीं आया इसका मीनिंग, ड्रेपरी
चिलमन, ये तो पूरा एकदम कॉम्प्लेक्स हिंदी है, चिलमन ठीक है। रिच कार्विंग, एलोबरेट ऑर्नामेंटेशन एंड सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। मेन थीम वाज न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, मीन्स बुद्धा का न्यू फॉर्म जैसे महायान, और इमेज ऑफ बुद्धा का इवोल्यूशन। लार्ज नंबर ऑफ मोनास्ट्रीज वेयर ऑल्सो बिल्ट इन दिस टाइम, बहुत सारे मोनास्ट्री बने, बिल्ट फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ सेंचुरी एडी, फर्स्ट टू फोर्थ सेंचुरी एडी। रुइंस ऑफ अबाउट 15 मोनास्ट्रीज वेयर फाउंड इन द इन एंड अराउंड पेशावर, इन एंड अराउंड पेशावर, इन एंड अराउंड पेशावर एंड रावलपिंडी, सब पाकिस्तान में चला गया। पेशावर रावलपिंडी के आसपास जो तहस नहस कर दिए गए थे बुद्धा के मोनास्ट्रीज को, कितने मोनास्ट्री, 15 मोनास्ट्री। बुद्धिस्ट स्तूपा वाज इरेक्टेड, बुद्धिस्ट स्तूपा इरेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड हैड ग्रेको रोमन आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट। The height of the stupa was raised and ornamentation was added to the structure of the stupa. इसका मतलब क्या हुआ? भगवान बुद्ध का स्तूपा का हाइट बढ़ा दिया गया, ऑर्नामेंटेशन उस पर कुछ डिजाइन विजाइन किए गए, ठीक है, was added to structure of stupa, ठीक है, जाना देखना स्तूपा पे आपको डिजाइन मिल जाएगा बढ़िया बढ़िया। और दी चेंजेस मेड द स्तूपा मोर अट्रैक्टिव, बोलते हैं ना इंसान ऐसे खड़ा हो और पूरा फिट फाट, बड़े जो भी हो अंदर से फिट फाट ऊपर से मोकामा, ऊपर से फिट फाट अंदर से मोकामा घाट बोलते हैं ना, ऐसे ही उसमें भी मतलब बुद्ध भगवान की मूर्ति ऐसे रख दो और उस पर कुछ कलाकृति कर दो, लोग देखने किसको ज़्यादा आएंगे, डिजाइन जो बनी उसको देखने आएंगे, कोई बुद्धा को देखने थोड़ी आता है डील में, वो देखने जाता है कितनी तरह कैसा मूर्ति होगा, कितना बड़ा मूर्ति होगा। और जब आप वहाँ पे खड़ा होगे, आप ऊपर देखोगे तो आपके सामने यदि 80 फीट, यदि 50 फीट, 60 फीट यदि लार्ज बुद्धा डाल दूँ तो आपको देखने में थोड़ी तकलीफ होगी, बोलोगे भैया फ़ोटो खींचो। आप फोटो खींचो तो किसका फ़ोटो लो, बुद्धा का फ़ोटो लो या खुद का फ़ोटो लो, मालूम चलना चाहिए ना। तो ऐसे ही चलता है, चलो कोई बात नहीं ज़्यादा। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या दे रखा है? स्कूल ऑफ आर्ट वाज डेवलप्ड एट मथुरा इन मॉडर्न यूपी उत्तर प्रदेश, कॉल्ड मथुरा आर्ट। जाओ मथुरा में देखो मथुरा आर्ट कैसे डेवलप किया है, मैं तो गया हूँ, तुम भी जाओ देखो। इट फ्लरिस्ट इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी इन इट्स अर्ली फेज। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ऑन इंडिजिनस लाइन्स। बुद्धा इमेज एग्जिबिट, बुद्धा इमेज इमेजेस एग्जिबिट द स्पिरिचुअल फीलिंग, स्पिरिचुअल फीलिंग्स इन हिज फेस विच वॉज लार्जली एबसेंट इन गांधार स्कूल। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में जो बुद्धा का स्टैचू था ना, और यहाँ पे जो बुद्धा का स्टैचू है, बुद्धा का इमेज है, दोनों में डिफरेंस है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा का जो इमेज है उसमें क्या स्पिरिचुअल फीलिंग उसके बुद्धा के चेहरे से ज़्यादा आता है, ठीक है। मथुरा देखो डिफरेंस मिल गया दोनों में, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट गांधार आर्ट, ठीक है। मथुरा स्कूल वाज ऑल्सो कार्ड आर्ट इमेज ऑफ शिवा। मथुरा स्कूल में आपको शिवा का भी इमेज मिलेगा, विष्णु अलोंग विथ इट्स अलोंग विथ देयर कंसोर्ट्स, ठीक है, पार्वती एंड लक्ष्मी। द फीमेल फिगर्स ऑफ याक्षिणी अप्सराज ऑफ मथुरा स्कूल वेयर ब्यूटिफुली कार्व्ड। सक्सेसर्स ऑफ कनिष्कास एंड एंड ऑफ कुशाना रूल, ठीक
ठीक है, कुसाना रूल कैसे एंड होता है, कनिष्का का सक्सेसर कौन है? सक्सेसर ऑफ कनिष्का रूल फॉर अनदर 100 ईयर्स, 150 ईयर्स, उसका नाम था हुविस्का, 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 हुविस्का वासन ऑफ कनिष्का, हुविस्का वाज द सन ऑफ कनिष्का एंड ही केप्ट द एम्पायर इंटैक्ट। मथुरा बिकेम इम्पॉर्टेंट सिटी अंडर इज रूल, किसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया? हुविस्का, हुविस्का कौन था? कनिष्का का सक्सेसर, कनिष्का का बेटा, ठीक है। लाइक कनिष्का ही वॉज ऑल्सो ए पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का फॉलोअर था। लास्ट इम्पॉर्टेंट कुशाना रूलर, लास्ट इम्पॉर्टेंट कुशाना रूलर वॉज वासुदेवा, लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ कुशाना रूलर वॉज वासुदेवा। कुशाना एम्पायर वॉज वेरी मच रिड्यूस्ड टू हिज रूल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट रूलर कौन था? लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ कुशाना रूलर वॉज वासुदेवा। कुशाना एम्पायर वॉज वेरी मच रिड्यूस्ड इन हिज रूल, बोल रहे किसान कुशाना एम्पायर अपने रूलिंग करते करते उसके एम्पायर वो छोटे हो गए थे, किसके रूल के समय? वासुदेव के समय। मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड एंड अराउंड द मथुरा, कुशाना के जो इंस्क्रिप्शन थे ना सिक्के विक्के, वो मिलते हैं कहाँ पे? मथुरा के ही आसपास। ही सीम्स टू हैव बीन ए वर्शिपर ऑफ शिवा, वो दिखता है कि ये जो थे ना किसके, हुविस्का, कनिष्का के बेटे, वो शिवा का पूजा ज्यादा करते थे। वासुदेव, आफ्टर वासुदेव, आफ्टर वासुदेव पेटी कुशान प्रिंसेस, पेटी कुशन प्रिंसेस रूल फॉर सम टाइम इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पेटी कुशन प्रिंस, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या मिला? ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज करना, दैट नथिंग बट आपको मिला रेन ऑफ पुष्यमित्रा, पुष्यमित्र सुंग को पढ़ाया था मैं, ठीक है, कैसे कैसे रूल किया था पुष्यमित्र सुंग का, ठीक है। सातवाहन रूल के बारे में आपने सीखा, गौतमी पुत्रा के बारे में, गौतमी पुत्रा सातकर्णी के बारे में सीखा, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, किसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन? सातवाहन के बारे में सीखा, कनिष्का के बारे में सीखा, ठीक है। कनिष्का का रोल क्या था? रोल ऑफ कनिष्का इन द स्प्रेड ऑफ महायान बुद्धिज्म। सैलियंट फीचर्स ऑफ गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट में सीखे आप। क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से, इजी है, पहले पढ़ो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो इसके, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है, बताओ। और इसके अगले पार्ट में ना संगम एज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बढ़िया रहेगा। न्यू पार्ट, न्यू चैप्टर रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। संगम एज का लेसन इट, संगम इज गोइंग टू स्टार्ट इन दी इन इट्स नेक्स्ट पार्ट, राइट। और इसको एंड करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस ये वीडियो इतना सा भी, यदि इतना सा भी फायदा कर रहे, इतना सा भी, थोड़ा सा भी, तो आप कृपया करके इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में घंटी है, घंटी दबा दें, और साथ में क्या करें, सारे दोस्तों को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है इस चैनल को स्प्रेड करें। मैं चाहता हूँ ये वीडियो जो है ना
एजुकेशन फ्री हो सके, एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल. लाइक दिस सोशल मीडिया इवोल्यूशन, डेफिनेटली वी कैन डू दैट, राइट? इट्स माई ड्यूटी टू नॉलेज, इट्स योर ड्यूटी टू स्प्रेड माई चैनल. आई एम ऑनेस्ट, आई एम डूइंग माई ऑनेस्ट जॉब, यू शुड डू योर ऑनेस्ट जॉब. यू विल स्प्रेड विद दैट विल एक्ट लाइक ए बूस्टर फॉर मी, राइट? एंड पुट मोर, हिट मोर एंड मोर लाइक बटन. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय.